सदियों से तीन तलाक का दंश झेलने वाली मुस्लिम महिलाओं के लिए पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने बिल लाकर तीन तलाक की प्रथा का अंत कर दिया। बिल पर देश भर की मुस्लिम महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार को बधाई दी थी। संसद में तीन तलाक बिल पास होने के बावजूद भी ट्रिपल तलाक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अजमेर की एक मुस्लिम महिला ने दुनिया भर की झोली भरने वाले ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के खादिम पर बड़ा आरोप लगाया है। ये 2 साल मैंने पहले शादी की थी अजमेर में सलीमुद्दीन चिश्ती से। तो पहले तो उन्होंने मुझे बोला नहीं कि उनकी ऑलरेडी वाइफ है, उन्होंने बोला मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई है और मेरी फ्रेंड ने उनसे मिलवाया था। मतलब मेरे घर में झगड़ा हो गया था तो मैं अजमेर आई थी, तो मेरी फ्रेंड के गाँव उसने मिलवाया था। तो बोले कि मैं शादी करूँगा, खादिम बन जाओगी, ऐसा होगा, मकान नाम कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं, शादी करके उन्होंने किराए के मकान पर रखा वैशाली में। इनकी ऑलरेडी से 5 वाइफ हैं। इन्होंने ये झूठ बोला, 2 महीने तक के छुपा के रखे रहे। फिर एक दिन मैंने इनको फ़ोन किया तो इनकी बेटी ने उठाया। वो बोली, मैंने बोला कि बापू से बात करवाइए, तो बोली कि आप कौन, मैंने कहा उनकी वाइफ, तो बोली आप कौन सी वाइफ। तो उसमें वो गाली गलौज करने लगी, झगड़ा करने लगी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ही गाली बकी कि तू मेरी कौन सी वाइफ है। फिर ये 8-10 दिन आए नहीं घर। फिर ये 8-10 दिन बाद आए, मुझे मनाने लगे कि ऐसा था वैसा था, मैंने बीवी को समझाने के लिए ऐसा कह दिया। फिर 1 महीना गुजरा, फिर इनकी एक वाइफ मेरे घर में घुस के मुझे मार के गई। आपको बताया था कि आप उनकी पहले भी 4-5 साल? नहीं बताया, मुझे बिल्कुल नहीं बताया। वो मुझे बताते तो मैं क्यों करती। कोई चाइल्ड है आपके? नहीं, मेरा चाइल्ड नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हुई थी, उन्होंने मुझे मेडिसिन खिला के कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब ये शर्म आएगी, ऐसा आएगा, मुझे मेडिसिन खिला के तलाक देने के लिए। मैंने इनसे बोला जब तुम्हारी वाइफ है तो तुम मुझे तलाक दे दो। मेरे से इन्होंने 2 लाख रुपए भी मांगे थे। ये मेरे से आए दिन मुझसे पैसे मांगते रहते, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने भाई से ला के दिए जयपुर से, मेरे कजिन ब्रदर से। क्योंकि 3 तलाक मौखिक वाला दिया इन्होंने क्या आपको? हाँ, मौखिक दिया। इन्होंने मुझे कई बार तलाक दिया फोन पे, और अभी परसों भी उन्होंने मुझे फोन पे तलाक दिया। फिर मेरे से बोले आकर के पैसा ले जा तेरे मेहर का। फिर मैं बड़े पीर की सीढ़ियों पे गई, वहाँ पे इन्होंने सबके सामने मुझे तलाक दी। और जब लेडी से बोलने लगी इसका पैसा दे दो, तो कहने लगे ऐसा मिलेगा, इनके लिए। दरगाह के खादिम का नाम सैयद सलीमुद्दीन है। पुलिस ने पीड़ित महिला का जेएलएन अस्पताल में मेडिकल करवा कर दरगाह के खादिम के खिलाफ तलाक बिल की धारा के साथ ही अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक महिला ने अपने पति के ऊपर घरेलू हिंसा प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके उसने साथ ही प्रताड़ना के साथ ही 3 तलाक देने का भी आरोप लगाया है, जिसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। मेडिकल महिला के साथ मारपीट के संबंध में मेडिकल मुआयना कराया गया है और अनुसंधान जारी है। सर, कौन पीड़िता है और किस तरह की महिला? जो बेसिकली जयपुर की रहने वाली है और यहाँ पे खादिम से उसने 2017 में निकाह किया था। खादिम का नाम सलीमुद्दीन उर्फ सलीम बापू है। सर, 3 तलाक का मामला? हाँ, उसने ये भी आरोप लगाया कि उसने मेरे को मारा पीटी करके घर से निकाल दिया और मुझे 3 तलाक दे दिया। सर, अभी किस तरह से जांच कर रहे हैं आप? वो महिला की बहन ही है और लोगों की बहन भी जा रही है अनुसंधान। महिला ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए तो थाना अधिकारी ने भी उसके आरोपों पर लगे हाथ अपनी सफाई दे दी। मैंने इसकी रिपोर्ट दरगाह थाने में दी, कोई कार्रवाई नहीं की। दरगाह थाने मैंने आज तक के 2 साल में 8-10 रिपोर्टें दी, मेरी कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं SP पास गई परेशान होकर, तो उन्होंने CI सर को कहा, तो CI सर जब होते हैं थाने तब सुनवाई होती है, पुलिस वाले पैसा खा के उनसे और ये करते हैं। और जब भी मारपीट करता था मैं रिपोर्ट देती थी, मेरी रिपोर्ट गायब कर देते, मेरा मेडिकल गायब करते। इससे पहले भी मेरे पैर की हड्डी तोड़ी थी उसने 3 महीने पहले रमज़ान में। तो मैंने CI सर को रिपोर्ट दी, CI सर ने उसमें कार्रवाई की। अब जो नीचे के उनके पुलिस वाले रहते वो सारे पैसे खा के खादिमों से और सब मेरा दबा देते मैटर। इस शब्द का तो मैं क्या जवाब दूँ, जब आप झूठ की पराकाष्ठा पर कूद जाएँ। उसने जब जब थाने पे रिपोर्ट दी उस पर कार्रवाई हुई है। उसने पहले एक बार कहा था कि मेरे पति मुझे परेशान करते हैं, कोई मारपीट इस तरह का कोई इशू नहीं लगाया, ये घर पे आ जाते हैं, मैं नहीं चाहती उस समय घर पे आ जाते हैं। तो उसको मैं ला के उसको पाबंद कराया, उसको शांति भंग के आरोप लगाया, तो जिसके संबंध में मैं ला के उसको शांति भंग में पाबंद कराया। तो ऐसा करना, चूँकि पति पत्नी का मामला है तो उसमें जो वो हर चीज़ है जिसका वो चाहते हैं कि वो जैसे है वैसे, हम तो कानून के दायरे बने हैं और कानून समेत कार्रवाई करने के लिए पाबंद हैं। अब महिला के खादिम पर लगाए आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, और पुलिस टीम पर लगे आरोपों में कितना दम है इसका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब देश में एक प्रथा को खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में शरीयत के नाम पर यह अत्याचार कब तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।